क्या नाम है आपका? नायला। ये कौन? हाँ, फातिमा और नायला। अच्छा, ये कौन है? अबू है। अबू है आपके? क्या हुआ इनको? हाँ, क्या हुआ? बीमार है। क्या हुआ? बुखार हुआ है। तो ये रात को देर तक आपको यहाँ लेके क्यों बैठते हैं? बोल नहीं सकते? खाने के पैसे नहीं। हाँ, खाने के पैसे नहीं है तो कमा तो सकते हैं ना। आप लोग नहीं आया करो इस तरह रोड पे। आपको पता है आजकल पुलिस लेके जाती है? पता है आपको? अगर आपको पता चलेगा ना किसी को तो वो आप लोगों को यहाँ से लेके जाएंगे। आपके बाबा कमा सकते हैं ना। बेटियों को रोड पे बिठाना अच्छी बात होती है, नहीं ना? कहाँ पर रहते हो आप लोग? हाँ, कहाँ पर? कहाँ पे बोला? होटल गोल्डन। अच्छा, आपको मैंने पहले उधर आगे भी देखा है बहुत। अंकल क्या हुआ आपको? सुन सकते हैं? क्यों नहीं सुन सकते? इशारे से किसी से बात कर सकते हैं? हाँ। पूछो क्या हुआ। अभी इनको बुखार है तो तकरीबन 4-5 महीने से ऐसे रहते हैं, इनको तो बुखार ही रहते हैं। है आपका कोई मोबाइल नंबर? है। ये लड़कियां कौन हैं जिन्हें ये आदमी रोजाना फैंसी लिबास पहनाता है और सड़कों पर भीख मांगने के लिए बिठा देता है? क्या वो वाकई भीख मांग रही हैं या उन्हें जिस्म फरोशी के लिए फरोख्त किया जा रहा है? क्या माशरा और पुलिस इतने अंधे हैं कि वो इस बात पर सवाल नहीं उठाते जो हो रहा है? क्या पुलिस भी इन बच्चों की स्मगलिंग से मुनाफा कमा रही है और नजरदार करके इस जुर्म को जारी रखने देती है?